मेडिकल कॉलेज सन 1986 में घटिया घटना भारत के एक मेडिकल कॉलेज से है, जिसमें कॉलेज में आई एक नई लड़की के साथ उसके सीनियर्स ने उसके साथ मजाक करने का सोचा, जिससे वह उसे डराना चाहते थे। उसे डराने के लिए उन्होंने एक इंसानी डेड बॉडी से कटा हाथ उसके बेड पर रख दिया और वह कमरे के बाहर जाकर छिप गए। जब वह लड़की अपने कमरे में आई तो उन्होंने दरवाज़ा बाहर से लॉक कर दिया। खून से सने उस इंसानी हाथ को देखकर वह चिल्ला उठी और अपना मानसिक संतुलन खो बैठी। कुछ देर बाद आवाज़ ना आने पर उन्होंने अंदर जाने का सोचा। जब उसके सीनियर्स ने दरवाज़ा खोला तो उन्होंने देखा कि वह कमरे के एक कोने में बैठकर उस इंसानी हाथ से मांस के टुकड़े नोचकर खा रही थी। कैनिबल थीव्स। साल 2012 में मुंबई से कई ऐसी खबरें आई जिसमें आदमखोर चोरों का एक ग्रोह घर में चोरी करने के लिए आते हैं और घर के छोटे बच्चों को पकड़कर ले जाते हैं, जिसे वह बाद में पकाकर खाते हैं। लोगों का कहना था कि वह साधारण इंसानों से कद काठी में काफ़ी लंबे चौड़े होते थे और वो काफ़ी लंबी लंबी छलांगें भी मार लेते थे। कोई उन्हें पकड़ ना पाए इसके लिए वह अपने शरीर पर एक तरह का तेल लगाते थे। नालेबा। साल 1990 के दशक में भारत के बेंगलोर नामक राज्य में एक अफवाह बहुत तेज़ी से फैल रही थी कि रात के समय एक चुड़ैल लोगों के घरों के दरवाजे खटखटाती थी। जब घर का कोई सदस्य दरवाज़ा खोलता तो वह उस इंसान को गायब कर देती। लोग घरों के दरवाजे जल्दी खोले इसके लिए वो चुड़ैल उन घरों के अनुपस्थित सदस्य की आवाज़ निकालती, जिससे घरों के लोगों को ऐसा लगता कि वह उन्हीं के घर का कोई सदस्य है जो उन्हें आवाज़ दे रहा है, और उसके लिए वह दरवाज़ा खोल देते। दरवाज़ा खोलने पर वह उसे गायब कर देती। लोगों का मानना था कि वह चुड़ैल काले कपड़े में दिखाई पड़ती थी, जो कि बेहद डरावनी थी, और ज़्यादातर इन घटनाओं में पुरुष गायब हो रहे थे। जब गांव के बहुत से लोग गायब होने लगे तो गांव के अन्य लोगों ने कन्नड़ भाषा में अपने घरों के दरवाजे और दीवारों पर नालेबा लिखना शुरू कर दिया, जिसका मतलब कल आना है। जिसके बाद से बेंगलोर के गाँव में ऐसी घटनाएं होना बंद हो गईं, और आज भी बेंगलोर के कस्बों के कई घरों की दीवारों पर नालेबा शब्द दिखाई पड़ते हैं। और इन घटनाओं के ऊपर एक फिल्म भी बनाई गई है जिसे स्त्री के नाम से जाना जाता है। मंकी मैन। ये घटनाएं सन 2001 में भारत की राजधानी दिल्ली में घट रही थी। कहा जा रहा था कि रात के अंधेरे में एक अजीब सा जानवर लोगों पर हमला कर रहा था, जो दिखने में आधा इंसान और आधा बंदर का मिश्रण दिखाई पड़ता था। ये ज़्यादातर उन लोगों पर हमला करता था जो अकेले या फिर खुले में रहते थे। जिन लोगों ने उसे देखा उन लोगों का कहना था कि काले बालों से ढका एक जानवर था जो कि दो पैरों पर चलता था और लंबी लंबी छलांगें मारता था, जिसे लोग काला बंदर भी कह रहे थे। जिन लोगों पर उसने हमला करने की कोशिश की उनका कहना था कि वो 5 फुट 6 इंच लंबा था, जिसके तेज धार लंबे नाखून थे और उसके सर पर स्पोर्ट्स हेलमेट जैसा कुछ था। उसकी चमकती लाल आंखें थी जिस कारण लोग उसे मंकी मैन के नाम से बुलाने लगे, लेकिन पुलिस का विवरण इसके बिल्कुल अलग था। उनका कहना था कि वह कोई 4 फुट 6 इंच लंबा काले बालों से ढका कोई जानवर है। पुलिस ने उस मंकी मैन को पकड़ने के लिए जगह जगह फोर्स तैनात की, फिर भी पुलिस की कई कोशिशों के बाद भी यह बंदर किसी की पकड़ में नहीं आया, और फिर कुछ महीनों बाद यह घटनाएँ अचानक से बंद हो गई। वेयरवॉल्फ। सन 1983 में भारत के कर्नाटक राज्य के पवागढ़ इलाकों में रात के समय 5 साल से छोटी उम्र के बच्चों की गायब होने की घटनाएं घट रही थी। जब लोग इन बच्चों को ढूंढते तो उन्हें सिर्फ बच्चों के खून से सने ही कपड़े मिलते थे और बच्चों को ज़मीन पर घसीटने के कोई निशान भी नहीं थे। गवाहों के मुताबिक बच्चों को अगवा एक भेड़िया कर रहा था जो दो पैरों पर इंसानों की तरह चल सकता था, और वह बच्चों को किसी इंसान की तरह ही अपने हाथ में लेकर भागता था। कोई ज़्यादा देर तक उसका पीछा नहीं कर सकता था क्योंकि वह काफ़ी तेज़ी से दौड़ता था। कुछ समय बाद यह घटनाएं बंद हो गई। 10 साल बाद ठीक ऐसी ही घटनाएं यूपी के कई जिलों में होने लगी। जब वन विभाग द्वारा उस भेड़िये को ढूंढा गया तो उसका कुछ पता नहीं चला। तो यह थे भारत के टॉप 5 अर्बन लेजेंड्स। दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो का नेक्स्ट पार्ट चाहिए हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा।